नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का किया दौरा, कंस्ट्रक्शन वर्कर से की बात, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा निर्माण। अजीत पवार ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, बोले हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, शिंदे फडणवीस सरकार के लिए शर्मिंदगी भरा। तेलंगाना के निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह की बड़ी मुश्किलें, हेट स्पीच का दर्ज किया गया मामला। चुनाव से पहले कर्नाटक में मजबूत हो रही कांग्रेस, एक महीने में 3 विधायकों ने थामा कांग्रेस का दम। औरंगाबाद हिंसा पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुआ शुरू, शिवसेना उद्धव गुट ने भाजपा और एआईएमआईएम को दोषी ठहराया। मुंबई के आरोपों पर शिव कुमार का पलटवार, कहा दलबंधु विधायकों के साथ सरकार चलाना कैसी नैतिकता। हत्या के मामलों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला, कहा राज्य में हकीकत बन गई अराजकता। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, बोले भड़काऊ बयान देने से बचे नेता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में नहीं होगा कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन, सिद्धरमैया बोले 60 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले भगवान राम केवले लकड़ी या पत्थर की मूर्त नहीं, इस देश की पहचान। दक्षिण में दही के नाम पर छिड़ा भाजपा का संग्राम, एफएसएसएआई के निर्देश पर भड़के स्टालिन, बोले हिंदी मत। अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में यूनिवर्सिटी का किया उद्घाटन, बोले अगली रामनवमी तक भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले यूपीए सरकार में एनकाउंटर केस में सीबीआई ने बुलाया, कहा मोदी का नाम दे दो छोड़ देंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा पर पथराव, वडोदरा में 2 जगह चले पत्थर, संभाजी नगर और हावड़ा में आगजनी। असम विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पारित हुआ बजट, 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के आवंटन को लेकर हुआ हंगामा। कानपुर में 800 से ज्यादा कपड़ा दुकानों में भीषण आग, 7 घंटे से होलसेल मार्केट जल रहा, सेना ने संभाला मोर्चा, 20 अरब के नुकसान का अनुमान। लखनऊ में सुबह होते छाया अंधेरा, गरज के साथ हुई बारिश, वाराणसी में भी बदला मौसम, 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। आगरा को कचरा मुक्त बनाने के लिए निकाला मशाल जुलूस, नगर निगम ने ढोल नगाड़े और शंख ध्वनि के जरिए लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। पिंजरे में कैद कर बेचे जा रहे विदेशी पक्षी, सारस पालने पर आरिफ पर एफआईआर, बोली लगाकर बेचे जा रहे तोते, खरगोश और ऑस्ट्रेलिया का जाम। लखनऊ
लखनऊ में फर्जी भर्ती मामले में आयकर का अधिकारी अरेस्ट, नौकरी के नाम पर ठगी का गिरोह चलाने वाली महिला की कर रहे थे मदद। आजमगढ़ में दोस्त ने अपने दोस्त पर किया चाकू से हमला, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ के चौक में निकली राम मनौती शोभा यात्रा, विधायक नीरज बोरा और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हुए शामिल। मुरादाबाद में हाईवे किनारे मिला युवक का शव, युवक के चेहरे पर आए चोटों के गहरे निशान, पुलिस ने बताया जंगली जानवर का हमला। चंदौली में नगर निकाय चुनाव का आरक्षण हुआ जारी, सैयद राजा में पिछड़ी महिला करेंगी दावेदारी। गोरखपुर में मिली महिला की लाश, शराब को लेकर पति से झगड़ा हुआ था, मामले की जांच में जुटे पुलिस। गोरखपुर में नगर निगम की महापौर सीट हुई सामान्य, 29 साल में दूसरी बार सामान्य हुई सीट, फिर एक बार ट्रांसजेंडर से हारी है भाजपा। हरदोई में बाइक सवारों के आमने सामने हुई भिड़ंत, हादसे में अधिवक्ता सहित दो की मौत। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, मशाल जुलूस निकालने के दौरान हुई छीना झपटी, एक दारोगा झुलसा। सिद्धार्थनगर के निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी, जिले में चुनावी हलचल हुई तेज, 4 सीट पर महिला होंगी अध्यक्ष। नोएडा में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 2 घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, तेज बारिश के कारण हुआ हादसा। यूपी को दोबारा मिलेगा स्पेशल डीजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मिल सकती है जिम्मेदारी, 1990 बैच के 6 आईपीएस हुए प्रमोट। आगरा में जापान से आए भ्रमण पर आए विदेशी पर्यटक के साथ हुई ठगी, पुलिस को भटकते हुए मिला पर्यटक, टैक्सी चालक फतेहाबाद रोड पर छोड़कर हुआ फरार। बीबीएयू में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े हैं, रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने का दूसरे पक्ष ने किया था विरोध। प्रयागराज की मेयर सीट फिर हुई अनारक्षित, टिकट की शुरू हुई भाग दौड़, पहले ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी सीट। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी, मथुरा वृंदावन नगर निगम सीट हुई सामान्य। मेरठ में 44वीं वाहिनी पीएसी के जवानों ने की नौका यात्रा, अधिकारियों ने गंगा की स्वच्छता और संरक्षण संबंधित पहलू पर किया जागरूक। बलिया में नशीला पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 गिरफ्तार, 22 किलो गांजा बरामद, बिहार से आ रहे थे दोनों तस्कर। प्रयागराज और वाराणसी के लिए सीधी बस सेवा हुई शुरू, देवरिया में सदर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बोले सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव, ससुराल और मायके वालों में हुई बहस। कौशाम्बी में पड़ोसी ने मजदूर के घर में लगाई आग, पीड़ित ने एसपी से की शिकायत, पड़ोसी से चल रही है रंजिश।
वाराणसी में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला की मौत, नगर निगम पर भड़के दुकानदार, दुकानदारों ने लगाया जाम। नारनौल में आसमानी बिजली से दो की मौत, बारिश आने पर पेड़ के नीचे खड़े थे दोनों व्यक्ति, दो साल का बच्चा भी झुलसा। आजमगढ़ में आग से जलकर वृद्ध की हुई मौत, देर रात लगी आग की चपेट में आने से हुआ हादसा, अकेले कमरे में सोया था वृद्ध। गाजीपुर में विधायक ने सड़क का किया क्वालिटी चेक, विधायक ने तारकोल की सड़क जूतों से उखाड़ी, संबंधित अधिकारियों को भी लगाई फटकार। अलीगढ़ में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में दो युवकों की भी हुई मौत। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, बोले अगली रामनवमी पर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे भगवान राम। सौ युवाओं को बाबा रामदेव ने दी संन्यास दीक्षा, महोत्सव में पहुंचे मोहन भागवत और अमित शाह। उत्तराखंड के रामनगर में G20 सम्मेलन का समापन, चार प्रमुख बीमारियों पर मंथन के बाद लौटे 18 देशों के 51 मेहमान। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे अमित शाह, छात्रों को डिग्री और मेडल से नवाजा। हरिद्वार में अमित शाह ने दिया बयान, बोले सहकारिता के जन सुविधा जन औषधि केंद्र, सामूहिक खेती करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने की जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा, जसविंदर सिंह गोगी को देहरादून की दी गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड के मलारी पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया, कहा चमोली में खुलेगा कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र। उत्तराखंड में 8 अप्रैल से भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण, मोदी शाह समेत कई दिग्गज नेता पढ़ाएंगे राजनीतिक पाठ। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 14 संक्रमित मरीज, संक्रमण दर 4.55%। ऋषिकेश में गंगा किनारे से दो लोग हुए लापता, स्थानीय लोगों ने जताई गंगा में बहने की आशंका, एसटीआरएफ ने की खोज भी, नहीं लगा कोई सुराग। उत्तराखंड में डिग्री कॉलेज के मेधावियों को तोहफा, नए सत्र से हर महीने छात्रों को मिलेगी हजारों की छात्रवृत्ति। महिला खिलाड़ियों के शोषण में घिरे दून अस्पताल में भर्ती कोच की पुलिस निगरानी बढ़ी, दर्ज हो सकते हैं बयान। बीएएमएस फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने दर्ज किए बयान, भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व रजिस्ट्रार पर कसेगा शिकंजा। अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में भी अलर्ट, सभी जिलों में पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी। उत्तराखंड में लगा महंगाई का एक और झटका, 13% से बढ़ी बिजली की कीमत। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर लगा, मर्जी से सुओ मोटो नहीं ले सकेंगे।
पाकिस्तान में चीनियों पर हमले का खतरा, सरकार बोली बिजनेस बंद करे चीनी नागरिक आतंकी आपको ही निशाना बनाएंगे। रूस ने अमेरिकी पत्रकार को जासूसी के आरोप में पकड़ा, जांच एजेंसी बोली यूएस के कहने पर मिलिट्री की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। अमेरिका के केंटकी में दो मिलिट्री हेलीकॉप्टर टकराए, 9 लोगों की मौत की आशंका, ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ हादसा। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का ऐलान, रूस नहीं देगा अमेरिका को परमाणु हथियारों की जानकारी, न्यूक्लियर वेपन की जानकारी देने से भी यूएस भी कर चुका है इनकार। मुंबई हमले पर इजरायली संसद ने अध्यक्ष नेसेट स्पीकर ने कहा आतंकियों को भारी कीमत चुकानी चाहिए, 4 दिवसीय दौरे पर आएंगे भारत। पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा का दावा, पिछले सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी चाहते थे सेवा विस्तार। चिली में 53 साल के शख्स में मिले बर्ड फ्लू के लक्षण, अलर्ट मोड में आई सरकार, जंगली जानवरों में फैला था बर्ड फ्लू। अमेरिका में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों का हमला, बाइडेन सरकार ने जताई नाराजगी। सरकार ने कुछ दवाओं पर खत्म की इंपोर्ट ड्यूटी, रेयर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं सस्ती होंगी। अनअकैडमी में फिर छटनी, अब अपने वर्कफोर्स में से 12% एम्प्लॉय को नौकरी से निकालेगी एडटेक यूनिकॉर्न। Redmi 12C और Redmi Note 12 भारत में लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ 5000 mAh की बैटरी, कीमत 9,500 रुपए से शुरू। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए गुड न्यूज, डिपॉजिटर्स को 9 महीने में लौटाए जाएंगे 5,000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। पांच से 9 जून तक होगी एप्पल की डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट और हाई पावर्ड मैक की हो सकती है घोषणा। BMW X3 लाइनअप डीजल वेरिएंट लॉन्च, 7.9 सेकंड में 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से दौड़ती है मिड साइज SUV, कीमत 77.50 लाख। 27,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूर, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की हुई डील। अडानी समूह ने तेज की फंड जुटाने की कवायद, अमेरिका में पिमको और ब्लैकरॉक जैसे निवेशकों से की मुलाकात। अजय बंगा का निर्विरोध विश्व बैंक प्रमुख चुना जाना तय, भारत अमेरिकी मूल के होंगे पहले प्रेसिडेंट। मंदी का असर FY24 में IT सेक्टर में घट सकती है 40% तक की हायरिंग, FY24 में नई भर्ती में आएगी भारी गिरावट। की वजह से पूरे सीजन से बाहर हुए CSK के मुकेश चौधरी, आकाश सिंह को टीम में मिली जगह। दिल्ली कैपिटल्स को चैंपियन बनाने भारत पहुंचा दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी रिली रोसो, वाइफ भी दिखी साथ।
आईपीएल से पहले रोहित शर्मा ने कसी कमर, नेट्स में दिखा आक्रामक अंदाज, लगाया अपना पसंदीदा पुल। आईपीएल 2023 से पहले फॉफ डू प्लेसिस को आरसीबी को बड़ा झटका, शुरुआती मुकाबले से बाहर हुए मैक्सवेल और हेजलवुड। आईपीएल 2023 के लिए 9 कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ कराया फोटोशूट, रोहित शर्मा गायब, फैंस बोले सबसे सफल कप्तान आखिर कहां है। राशिद खान बने T20 में नंबर 1 गेंदबाज, बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर काबिज। आईपीएल शुरू होने से पहले राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों की मस्ती, गंगनम स्टाइल गाने पर जमकर किया डांस। दिल्ली को मिला ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट, बंगाल का खिलाड़ी अभिषेक पोरेल होगा टीम में शामिल, पंजाब को लगा झटका। पाकिस्तान को झटका, वर्ल्ड कप खेलने भारत आना ही होगा, चेन्नई या दिल्ली में हो सकता है मैच। चेन्नई ने मुकेश चौधरी की जगह पर रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के नाम का किया ऐलान, मुकेश की जगह आकाश सिंह को किया गया शामिल। तिग्मांशु धूलिया की वेब सीरीज गर्मी का टीजर आउट, कॉलेज पॉलिटिक्स और क्राइम की कहानी पर बनी है सीरीज। साउथ सुपरस्टार नानी और कीर्ति सुरेश की फिल्म दसरा रिलीज के साथ हुई पायरेसी का शिकार, मेकर्स के सताने लगी कमाई की चिंता। अजय देवगन की फिल्म भोरा ने की दमदार ओपनिंग, पहले दिन फिल्म ने 11 करोड़ रुपए से खोला खाता। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द करने वाले हैं शादी, सिंगर और एक्टर हार्डी संधु ने किया कंफर्म, बोले मैंने बधाई भी दे दी है। अनुष्का शर्मा की बड़ी मुश्किलें, सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ एक्ट्रेस की अपील को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। माता पिता के अलग होने पर छलका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दर्द, बोली स्वीकार करने में लगे 40 साल। सलमान खान को पत्रकार से दुर्व्यवहार के मामले में मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द की एफआईआर। अजय देवगन की भोला पर आया मिला जुला रिएक्शन, ट्रोलर्स ने गिनाई कमी तो फैंस ने कहा सुपरहिट। फिल्मादि पुरुष से प्रभास और कृति सनन के लुक ने खींचा सबका ध्यान, ट्रोल्स भी हुए नतमस्तक। शेखर सुमन ने बॉलीवुड के 4 लोगों को बताया गैंगस्टर, कहा सांप से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग। देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।